ये तो लगता है कि जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, इनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होने चाहिए। मुंडका अनाज मंडी, करोल बाग और दिल्ली के तमाम इलाकों में बनी गैर कानूनी फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर एक दिन अचानक लगी आग का शिकार हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। दिल्ली सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी और एमसीडी चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुंडका में लगी आग के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। मगर सवाल सिर्फ यही है कि कानून को ताक पर रख के चल रहे इन हजारों कारखानों में काम कर रहे मजदूरों की जान की कीमत क्या है। न्यूज़लिक के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुंडका में लगी आग जैसी घटनाएं कैसे लगातार बढ़ रही हैं, जवाबदेही किसकी है और दिल्ली का मजदूर वर्ग कैसे दो सरकारों के बीच पिस कर जान गंवा रहा है। 13 मई को दिल्ली के मुंडका में स्थित एक कारखाने में आग लग गई। इस कारखाने में 150 से ज्यादा पुरुष और महिला मजदूर काम करते थे। आग लगी और 30 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। इस फैक्ट्री में सीसीटीवी और वाईफाई राउटर की पैकिंग करने का काम होता था। आग लगने के बाद जांच हुई तो पता चला कि फैक्ट्री के पास फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं थी। इस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट गेट था, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का उल्लंघन है। इसके अलावा ये बिल्डिंग अनाधिकृत यानी अवैध यानी गैर कानूनी थी, मगर इसके बावजूद एमसीडी ने इसकी अनुमति क्यों दी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि मुंडका जैसी घटनाएं कितनी ज्यादा और कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। जनवरी 2018 में बवाना की पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर 2019 में करोल बाग में अनाज मंडी में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 43 लोगों की जान गई थी। फरवरी 2019 में ही करोल बाग के अर्पित होटल में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई थी। पिछले महीने अप्रैल में आनंद पर्वत में लगी आग में दमकल के अधिकारियों समेत 9 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा फिल्मिस्तान, शाहदरा, नरेला, पटपड़गंज और ना जाने कितनी ही फैक्ट्रियां कानून को ताक पर रख के काम कर रही हैं और बेईमान मालिक और लचर प्रशासन की मिलीभगत की वजह से मजदूरों की जान जा रही है। मुंडका की घटना के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने रिवायत निभाते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बताया है कि कैसे इस बिल्डिंग का लाइसेंस एमसीडी ने रद्द कर दिया था और आज भी ये बिल्डिंग एमसीडी के कागजों में सील्ड है। दूसरी तरफ बात आती है आम आदमी पार्टी की। श्रम विभाग और फायर विभाग आम आदमी पार्टी के अंतर्गत आते हैं, तो ये बिल्डिंग बिना फायर एनओसी के कैसे काम कर रही थी? यही इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी पर लगाया है। इन घटनाओं के लगातार बढ़ने और आरोपियों को सजा देने वाले कानूनों के बारे में समझने के लिए न्यूज़क्लिक ने सुप्रीम कोर्ट वकील अशोक अग्रवाल से बात की। एक बहुत गंभीर इशू है कि दिल्ली की सरकार जो है वो कोई एक्शन नहीं लेती है, इसलिए ये घटनाएं होती रहती है। दूसरी चीज आप देखिए, अगर हम लॉज की बात करें तो लॉज तो बहुत सख्त है। सेफ्टी जो है और सेफ्टी के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत सख्त है। फैक्ट्रीज एक्ट में ले लें तो इट्सेल्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तो सेफ्टी का पूरा मोटा वॉल्यूम है रूल्स का। अगर वो सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको ये फॉलो करें तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई घटना होने वाली है, या बहुत कभी कभी रेयर हो सकती है, लेकिन कौन देखता है। लोग सफोकेशन से मर जाते हैं, वहां पर वेंटिलेशन नहीं है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर सैकड़ों रिक्वायरमेंट्स हैं सेफ्टी के बारे में, कोई फॉलो नहीं करता है। लेबर डिपार्टमेंट में एक तो पहले तो लेबर इंस्पेक्टर्स ही नहीं है, दूसरा वो लेबर इंस्पेक्टर जो है वो सब पूरा करप्ट डिपार्टमेंट है। केजरीवाल जी चाहे कितना ही कहें कि एक ईमानदार गवर्नमेंट है, ईमानदार गवर्नमेंट तो वहां के लोगों के साथ होती है ना। जब उनके एम्प्लॉयज ही सारे बेईमान हो तो कहां से वो ईमानदार गवर्नमेंट हो जाएगी। और सरकार की, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अथॉरिटीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कैसा वो है पूरा। और ये एक फैक्ट्री नहीं है, लाखों फैक्ट्रियां यहाँ पर जो है इसी तरीके से अनऑथराइज्ड है। कितनी मतलब इस तरीके की घटनाएं हुई हैं
मेरे ख्याल से कितनी घटनाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में कम से कम 50 कमेटीज की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के पास ऑलरेडी होगा। कोई पूछे ना उनसे कि उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ। इन फैक्ट्रियों में से ज्यादातर में असंगठित मजदूर काम करते हैं, जिनका ना तो सरकारी कागजों में जिक्र होता है और ना ही मालिक की उनकी जान की तरफ कोई जवाबदेही। यही वजह है कि दिल्ली में ऐसे हजारों कारखाने हैं जो गैर कानूनी हैं और जिनके पास उचित लाइसेंस भी नहीं है, मगर उनकी जानकारी हमें तब मिलती है जब उनमें से किसी में आग लग जाती है। दमकल विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हौसखास विलेज, खान मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, डिफेंस कॉलोनी मार्केट समेत तमाम मार्केट्स के पास भी फायर एनओसी नहीं है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण और गैर कानूनी रूप से चल रही फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा हैं कि पूरी दिल्ली के घरों के अंदर भी इस तरह के कारखाने चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां अतिक्रमण नहीं है वहां भी पहुंचने वाली एमसीडी ने मेन रोड पर गैर कानूनी रूप से चल रही फैक्ट्री को क्यों जारी रहने दिया। मजदूर संगठनों ने लगातार इल्जाम लगाया है कि प्रशासन, सरकार और पुलिस इन कारखानों के मालिकों के साथ मिलीभगत करके काम करती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 के बीच पूरे देश में आग लगने संबंधी घटनाओं में हर रोज औसतन 35 लोगों की जान गई है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुंडका अग्निकांड के पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, मगर क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि क्या मजदूरों की जान की कोई कीमत है। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हम न्यूज़क्लिक को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, हमको Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो कीजिए।